नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें, देहरादून में हवाई कनेक्टिविटी का अब दायरा बढ़ेगा। जौलीग्रांट से अल्मोड़ा हेली सेवा की शुरुआत हो गई है। अन्य स्थानों के लिए भी हेली सेवा जल्द ही शुरू होगी। हवाई सेवाओं को बेहतर करने की कवायद और तेज की जा रही है। आपको बता दें, हवाई कनेक्टिविटी का अब दायरा बढ़ता जा रहा है। जौलीग्रांट से अल्मोड़ा हेली सेवा की शुरुआत हो चुकी है। इसको लेकर राज्य मंत्री अजय टम्टा ने इसकी सराहना भी की थी। उन्होंने उत्तराखंड के लिए इसे वरदान बताया था। थावी सरकार का धन्यवाद उनकी ओर से प्रेषित किया गया था, और जिसके बाद अब अन्य जिलों में भी इसका जो दायरा है वो बढ़ने वाला है। हवाई सेवाओं को बेहतर बनाने के जो प्रयास हैं वो लगातार सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। तो थामी सरकार ने देहरादून अल्मोड़ा हवाई संपर्क के साथ पहाड़ों के लिए हवाई सेवाओं के नेटवर्क की योजना जो बनाई है, अब उसको लेकर सरकार की ओर से लगातार काम किए जा रहे हैं। तो आपको बता दें, सीएम थामी ने देहरादून से अल्मोड़ा तक छठी अंतर्राज्यीय हवाई सेवा का शुभारंभ किया, और इस दौरान राज्य मंत्री अजय टम्टा भी मौजूद रहे थे, जिन्होंने हवाई सेवाओं को उत्तराखंड के लिए वरदान बताया था। थामी सरकार का इस दौरान धन्यवाद उन्होंने किया था, और जिसके बाद अब अन्य जगहों पर भी हवाई सेवाओं को और बेहतर करने की जो कवायद है वो सरकार की ओर से तेज कर दी गई है। और चलिए ज्यादा अपडेट के साथ उत्तराखंड स्टेट ब्यूरो हेड सोनू सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू, क्या कुछ जानकारी है? हवाई कनेक्टिविटी का दायरा बढ़ाने के लिए काफी प्रयास सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, और कल ही अल्मोड़ा की अगर हम बात करें तो देहरादून अल्मोड़ा का जो संपर्क है वो हवाई सेवाओं के लिए उसका शुभारंभ कर दिया गया है मुख्यमंत्री थामी की ओर से। सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि किस तरह से जो हवाई सेवाओं का नेटवर्क है इसको और मजबूत किया जा सकता है, इसके दायरे को बढ़ाया जा सकता है, एक जनपद से दूसरे जनपद को कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड हिमालयी राज्य है। विषम भौगोलिक परिस्थिति वाले इस राज्य की हवाई कनेक्टिविटी जो है वो कैसे और मजबूत की जा सकती है। हवाई कनेक्टिविटी का एक दायरा जो केंद्र सरकार के अनुमोदन पर आधारित है, जबकि दूसरा दायरा जो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री उड़न खटोला योजना के तहत सरकार स्वयं कर सकती है। तो कहीं ना कहीं इसके तहत जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें एक रोज पहले का आपने भी स्वयं इस बात का जिक्र किया कि मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा के लिए देहरादून से हवाई सेवाओं को हेलीकॉप्टर के माध्यम से कनेक्ट करने का शुभारंभ किया, और अब सरकार ये योजना बना रही है कि जो उत्तरकाशी का जो यमुनोत्री क्षेत्र है, यमुनोत्री धाम भी है इस पूरे इलाके को, इसके अलावा जो चमोली का गौचर है और फिर जोशियाड़ा जो है, ये जो क्षेत्र है इन क्षेत्रों को भी इसी तरह से इसी हवाई सेवा की इस योजना के तहत इनको कनेक्ट किया जाए, और इसके बाद फिर आने वाले समय में और क्षेत्रों पर भी सरकार फोकस करने वाली है। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से आप बता रहे हैं, देखिए सरकार का फोकस इस और लगातार बना हुआ है, लेकिन जब इसका शुभारंभ किया गया हेली सेवाओं को लेकर जो अल्मोड़ा की ओर संपर्क बनाया गया है, वहां पर अब किराए में सब्सिडी देने की बात भी विधायक की ओर से की गई, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, ये पॉलिसी वाला मामला है। कोई भी जनप्रतिनिधि जब भी सरकार के मुखिया को कोई प्रस्ताव देता है या अपने क्षेत्र के जनता की आवाज को मुख्यमंत्री तक पहुंचाता है, उसके बाद जो उच्च स्तरीय शासन के अधिकारी या मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या प्रमुख सचिव जो विभागों के हैं, और अगर हम उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की बात करें, यूपाडा की जो सीईओ है सोनिका, वो और जो अन्य सचिव स्तर के अधिकारी हैं वो सब इस पर मंथन करेंगे, और उसके बाद देखना होगा कि सरकार आखिर क्या इस पर फैसला लेगी। सरकार की कोशिश है कि कम से कम दरों पर, कम से कम किराए पर हवाई सेवाएं उपलब्ध कराई जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके, उनको एक सुविधा के तौर पर एक सहयोग किया जा सके। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से आपने बताया, देखिए कहीं ना कहीं जो हवाई सेवा है उसको बेहतर बनाने के लिए सरकार की ओर से जो प्रयास हैं वो लगातार किए जा रहे हैं, और ये जो अल्मोड़ा तक हवाई सेवा की शुरुआत हुई, इसका शुभारंभ हुआ है, इसको लेकर सराहना भी थामी सरकार की जा रही है। फिलहाल आपका जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ। तो उत्तराखंड में हवाई कनेक्टिविटी का जो ब्यौरा बढ़ाने का प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है, अब इसको बाकी जगहों पर भी बढ़ाने के जो प्रयास हैं वो सरकार की ओर से लगातार किए जा रहे हैं।